नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिट की परीक्षा कब होने वाली है। दोस्तों, 25 अप्रैल से आगे बढ़ गई है रिट की एग्जाम की डेट। दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आया है बड़ा फैसला। दोस्तों, इस वीडियो की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए संपूर्ण जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की पूरी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का और इस न्यूज का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। बड़ा तोहफा मिला है सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह तोहफा दिया है। 25 अप्रैल को आयोजित होगी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 अप्रैल को रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। 24 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी। 31,000 पदों पर रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने की घोषणा की गई थी। अब जल्द ही शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। पासिंग मार्क्स में रियायत के आदेश पहले ही शिक्षा विभाग की तरफ से दिए जा चुके हैं। अलग अलग वर्गों में 5% से 20% तक पासिंग मार्क्स में रियायत दी गई है। रीट परीक्षा के लिए इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा, उसके क्षेत्र में इतने नवाचार हुए कि पूरे देश में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन में। तो शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती विज्ञप्तियों की को जारी किया जाएगा। पासिंग मार्क्स में रियायत बरतने को लेकर जो शिक्षा विभाग है वो पहले ही आदेश जारी कर चुका है। अलग अलग वर्गों की बात करें तो 5% से 20% तक रियायत का ऐलान पहले ही हो चुका है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के लाखों बेरोजगारों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। विद्युत विभाग की परीक्षा में शामिल किया राजस्थान जीके को। राजस्थान सामान्य ज्ञान जोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं और परीक्षा में 48% अंक सामान्य ज्ञान के रहेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा, 22 गोदाम पर दिए गए धरने में एक मांग तो सामान्य ज्ञान की भी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लाखों बेरोजगारों के हित का ध्यान रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर तो सीएम अशोक गहलोत का ये बड़ा फैसला आया है, जहां पर जो बेरोजगार इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए इस वक्त की राहत भरी खबर है। चलिए संवाददाता ललित यहां पर हमारे साथ यहां पर जुड़े इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ललित, एक बड़ी राहत यहां पर बेरोजगार को मिली है। राजस्थान सामान्य ज्ञान को जोड़ने के आदेश फिलहाल दिए गए हैं, क्या कुछ और जानकारी फिलहाल मिल रही है? बिल्कुल आशी, आपको बता दें कि विद्युत विभाग में जो होने वाली भर्ती है इसको लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी कि राजस्थान के सामान्य ज्ञान को जोड़ा जाए और आज इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको याद है कि 9 दिनों तक बेरोजगारों ने 22 गोदाम अपनी मांगों को लेकर धरना दिया था। उस धरने में भी इस मांग को शामिल किया गया था। जब विज्ञप्ति जारी की गई थी तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान नहीं जोड़ने से बेरोजगारों में एक बार फिर से आक्रोश बढ़ गया था, जिसके बाद बेरोजगारों ने अधिकारियों से मुलाकात की थी और आज उस मांग को पूरा कर लिया गया है। कल ही 3 मंत्रियों की जो कमेटी की बैठक हुई थी उसमें इसमें निर्णय ले लिया गया था और आज इसमें ये कह दिया है कि जो 48 अंक है, 48 अंक के सवाल राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए होंगे, तो ऐसे में प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को राहत मिली है, क्योंकि आगामी भर्ती में राजस्थान का सामान्य ज्ञान जुड़ने से अब राजस्थान के अभ्यर्थियों को खासा फायदा हो सकता है। जी ललित, जिस तरीके से लगातार जो बेरोजगार थे वो काफी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक मांग सामान्य ज्ञान को जोड़ने की भी थी, अभी फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया बेरोजगारों की इस पूरे मामले पर आई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन हुआ था। राजस्थान महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेन यादव, उनके नेतृत्व में कल प्रतिनिधि मंडल, जो 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल था, वह भी मीटिंग में शामिल था और इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया था, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री जो बीडी कल्ला मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने कल ही संकेत दे दिए थे कि राजस्थान के बेरोजगारों को बड़ी राहत के रूप में जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वो जोड़ा जाएगा और आज इसको जोड़ने के आदेश जारी कर दिए। ऐसे में उपेन यादव का ये कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेरोजगारों की हमेशा से ही चिंता की है और ये आदेश देकर लाखों बेरोजगारों को एक बड़ी राहत दी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ललित वर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए
दोस्तों रिट भर्ती के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाना है और दोस्तों वहां पे सर्च करना है rkalert.in को सर्च करना है और दोस्तों सर्च करने के बाद में ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहां से आज तक की जितनी भी सरकारी नौकरियां उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट और कट ऑफ भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी की एग्जाम डेट भी आप यहां से चेक कर सकते हैं और दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्जाम के प्रमोट और नॉन प्रमोट रिजल्ट भी आप यहां से देख सकते हैं और दोस्तों रिट से संबंधित जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं रिट से संबंधित, दोस्तों रिट इसे ओपन कर लेना है, रिट की रिक्वायरमेंट को। तो दोस्तों ओपन करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहां से आप रिट का सिलेबस और रिट से संबंधित जितनी भी जानकारी है आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों और मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे इस वीडियो का और इस सूचना का बेनिफिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। और दोस्तों रिट से संबंधित पल पल की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद में जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।